हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉग रजिया। और आज मैं आप लोगों के लिए बजट फ्रेंडली होम फेशियल लेके आई हूँ, जिसको करने से हमारे फेस पे ग्लाइकोलिक पील जैसा इफेक्ट आएगा और हम पार्लर जाना भूल जाएंगे। हाँ जी, जो हम पार्लर जाके 2 से 10 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं ग्लाइकोलिक पील के लिए, पॉलिश के लिए, फेशियल के लिए, वो सब हम भूल जाएंगे बस एक फेशियल से। और ये फेशियल हम जितना भी इंग्रीडियंट है वो हमें हमारे किचन में ही मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस फेशियल को कैसे करेंगे और क्या करेंगे। और हाँ, इसका जो मेन इंग्रीडियंट है वो मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को। इसका जो मेन इंग्रीडियंट है वो है गुड़, जागरी, जिसे गुड़ या जागरी दोनों ही कह सकते हैं। गुड़ भी कह सकते हैं, जागरी भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। तो या तो जागरी फेशियल बोलिए या गुड़ फेशियल बोलिए, ये एक ही है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस फेशियल को और देखते हैं कि इस फेशियल में हमें क्या सब इंग्रेडिएंट चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फेशियल। फेशियल करने के लिए हमें चाहिए गुड़, बेसन, चीनी, रॉ मिल्क, दूध, धनिया पत्ता, टमाटो, बादाम का तेल और एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लिप भी यूज कर सकते हो, और एक कॉटन पैड। तो हम क्लिंजिंग के लिए यूज करेंगे रॉ मिल्क, दूध। जो भी हमारे स्किन में डर्ट है वो सभी इससे क्लीन हो जाएगा और स्किन क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं हो गया मेरा क्लिंजिंग। अब स्क्रबिंग के लिए चाहिए हमें चीनी, गुड़ और चाहिए आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। इस तीनों को हम मिला देंगे अच्छी तरह से। देख सकते हो ये तीनों को मैं मिक्स कर दी हूँ अच्छी तरह से। अब इसको मैं फेस पे अप्लाई करूँगी। और स्क्रब जब भी करो आप हल्के हाथों से करो, अगर जोर हाथों से करोगे तो रैसेस आ सकते हैं। तो जब भी करो हल्के हाथों से स्क्रब करो। अब मैं हल्के हाथों से अपने फेस को स्क्रब करूँगी। और इस फेशियल को करने से हमारा जो फेस का ब्लैक लेयर होता है, डेड स्किन होते हैं, डलनेस होती है, वो सभी दूर हो जाते हैं। और ये एंटी एजिंग होती है जो हमारे झुर्रियों को भी कम करता है। तो 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग के बाद मैं अपने फेस को एक गीले टॉवल से साफ कर दी हूँ। जो भी स्क्रब का बचा हुआ होगा वो सभी हट जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा फेस अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। मेरा फेस क्लीन हो गया है। अब मैं मसाज के लिए लूँगी गुड़, एलोवेरा जेल 2-3 ड्रॉप डाल के, और फिर लूँगी आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। इस तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और एक पेस्ट टाइप का बना लूँगी और इसको अप्लाई करूँगी और फिर मैं मसाज करूँगी फेस का। अब हम 5 से 10 मिनट तक अपने फेस का अच्छी तरह से मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ नहीं मसाज करना, ऊपर की तरफ हमेशा मसाज करना है। और जो एलोवेरा फेस स्किन को रिजुविनेट करता है, जो गुड़ है वो हमारे डेड स्किन को रिमूव करता है, ब्लैक हेड, वाइट हेड, जितने भी डलनेस है वो सबको दूर करता है। और बादाम ऑयल हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अब अपने फेस को थोड़ा सा डैप डैप करके मसाज करेंगे। इस डैप डैप करने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है और फेस पे ग्लो आता है। मसाज हो गया है, अब हम इसे क्लीन नहीं करेंगे, इसी पे फेस पैक लगाएंगे। फेस पैक बनाने के लिए हम एक कटोरा में जो टमाटो रखी थी उसको अच्छी तरह से हाथ से निचोड़ के जितना गुदा निकलेगा वो निकाल लेना है। इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बस हाथ से निचोड़ के गुदा निकालना है। फिर मैं इसमें मिलाऊंगी बेसन, जो एक थिक पेस्ट बन सके इसमें उतना बेसन मिला देना है। फिर इसमें मिलाऊंगी, इतना मैं बेसन डाल दी। फिर मैं इसमें मिलाऊंगी जो धनिया पत्ता रखी थी, उस धनिया पत्ता को अच्छी तरह से हाथ से निचोड़ के रस निकाल लेना है। जितना रस निकले, जो भी रस निकले उसको निकाल लेना है। फिर इतना रस निकले, मैं जो भी मतलब हाथ से निचोड़ के जितना रस निकलेगा उतना निकाल लेना, पेस्ट किसी का नहीं बनाना है। फिर मैं इसमें मिक्स करूँगी। देख, अब मैं इसमें डालूँगी गुड़, फिर डालूँगी मैं आलमंड ऑयल, बादाम का तेल थोड़ा सा, और इस सबको मिला के एक थिक पेस्ट बना लेना है। ये देखिए फेस पैक रेडी हो गया है। इस फेस पैक को मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी अब। और धनिया सुन के तो आप सब हैरान हो गए होंगे। हाँ जी, धनिया हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह जो हमारे स्किन पे झाइयाँ होती है, झुर्रियाँ होती है, उस सबको दूर करता है। ये नेचुरल ब्लीच का काम करता है। तो धनिया का पत्ता आप कभी भी यूज़ कर सकते हो स्किन के लिए। और टमाटर के गूदे में विटामिन सी होता है जो हमारे डेड स्किन को रिमूव करता है और पोर को श्रिंक करने में मदद करता है। तो लग गया है मेरा फेस पैक, अब मैं इसे ड्राई होने तक वेट करूँगी। फेस पैक अब ड्राई हो गया है। हाथ को गीला करके थोड़ा सा हल्का सा मसाज करके इस फेस पैक को उतार दूँगी और एक गीला टॉवल से इसको अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। ये मैं ले ली हूँ गीला टॉवल। आप चाहो तो फेस को वॉश भी कर सकते हो। और हम सबको पता है कि गुड़ हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है।
गुड़ फेशियल के बाद देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ग्लो आया है। कुछ भी मैं अभी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मॉइस्चराइजर तक भी नहीं लगाई हूँ और देख सकते हो ग्लो। अगर आपको भी पसंद आया हो तो आप भी ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताओ। फेस को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद अब फेस को मॉइस्चराइज करेंगे और इसके लिए भी ले रही हूँ एलोवेरा जेल। इसको मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। कोई भी फेशियल करें आप मैक्सिमम ट्राई करें कि शाम को ही करें, क्योंकि रात में हमारा फेस रिलैक्स होता है और ग्लो बहुत अच्छा आता है उससे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा गुड़ फेशियल, जैगरी फेशियल? थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इसका इफेक्ट पता चल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव।